और अब खबरें विस्तार से। नागपुर महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी के खिलाफ शहर की जनता और राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी करने का व्यवहार किए जाने की शिकायत कांग्रेस के विधायक विकास ठाकरे ने पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को की है, जिसकी जानकारी शनिवार को विधायक विकास ठाकरे ने पत्र परिषद के दौरान दी। नागपुर शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को कांग्रेस के विधायक विकास ठाकरे द्वारा शिकायत की गई है कि नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त राधाकृष्णन बी ने जनता और राज्य सरकार के साथ धोखा किया है। विकास ठाकरे ने पत्र परिषद लेकर बताया कि 2017 को जैसे ही देश में एक देश एक कर GST के द्वारा लागू हुआ, तब से राज्य सरकार की ओर से राज्य की सभी महानगर पालिका को अनुदान देने की पहल की गई, जिसमें शर्त ये रखी गई कि अनुदान लेने वाली मनपा स्थानिक कर नहीं ले पाएगी। लेकिन 2017 से नागपुर महानगर पालिका राज्य सरकार का अनुदान भी उठा रही है, जबकि लोगों से कर भी वसूल रही है, जिसे देखते हुए मनपा आयुक्त नियमों की अनदेखी करते हुए जनता को धोखा दे रहे हैं, ऐसा आरोप विधायक विकास ठाकरे ने किया है। जहां पत्र परिषद लेकर मामले की गंभीरता को देखते हुए जनता से वसूला गया टैक्स वापस करे, ऐसी मांग विधायक विकास ठाकरे ने की है, जिसके तहत मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी पर कार्रवाई करे, ऐसी मांग भी विधायक विकास ठाकरे ने एक निवेदन देकर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार से की है। नहीं, मला वाटतं की मी कालच नागपूरच्या पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे। या आपल्या देशामध्ये 1 जुलै 2017 एक राष्ट्र एक कर प्रणाली अंतर्गत GST अंमलबजावणी झाली आणि त्यानुसार सर्व महानगरपालिकांना राज्य शासन अनुदान देते आणि 2017 परिपत्रकानुसार राज्य शासनाकडून तुम्हाला अनुदान प्राप्त होईल, तुम्ही स्थानिक कर जो घेता तो बंद करावा, परंतु राज्यातील 27 महानगरपालिकांनीही हा कर घेणं चालूच ठेवला आणि शासनाकडून अनुदानही घेतलं। मला नागपूर शहरातल्या महानगरपालिकेचं बोलायचं आहे तर नागपूर शहरातल्या महानगरपालिकेने शासनाकडून अनुदान घेत असताना या जनतेकडून सुद्धा कराच्या रूपात कोट्यवधी रुपये लाटलेले आहे। आता जर महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार तुम्हाला पैसे घ्यायचे नव्हते तर या जनतेचे पैसे आपण व्याजासकट परत करावे। 2017 17 पासून 2021 जे तुम्ही पैसे गेलेले आहे ते जनतेला वापस करावे अशी माझी मागणी आहे। आपण कायद्याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी आहात, परंतु स्वतः त्याच्यामध्ये दोषी आहात, म्हणून यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल व्हावे ही एक मागणी आहे। आणि मला दुसरी मागणी करायची आहे की आजच्या तारखेपासून सुद्धा आपण हे कर घेणं बंद करावे, कारण की अहमदनगर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी मला पत्र दिलेलं आहे, त्या पत्रामध्ये स्पष्ट लिहून दिलं की आतापासून आम्ही हा जाहिरात कर घेणं बंद करून झालेलो आहे।